लगातार सरकार पे वही सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। स्पष्ट पहले भी कहा था कि इस तरह का बयानबाजी अगर करते हैं तो वो बीजेपी के नीतियों को समर्थन देते हैं, और ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि महागठबंधन के नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है तो। और हम लोगों का जो खुला अधिवेशन भी हुआ था वहाँ साफ तौर पे महागठबंधन पर या महागठबंधन के निर्णय को लेकर के कोई भी अगर बात होगी तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं को अतिरिक्त किया गया है कि इस पर बयान अगर कोई देगा तो हम लोग अगर कोई ऐसा काम करता है तो साफ तौर पे वो बीजेपी को समर्थन देगा, तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। वो तो करेंगे, तेजस्वी जी को सीएम बनाना है इसलिए वो बयान दे रहे हैं, इस तरह की बात तो बोल रहे हैं सुधाकर सिंह। नहीं नहीं, हम देखिए ज़्यादातर हम उनका बयान जो है सुने हैं, उसमें साफ तौर पे क्या बोले हैं नहीं बोले हैं ये आप लोग सब लोग जान रहे हैं, और ये ठीक बात नहीं है। और इस पे पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में ये मामला है, एक एक चीज़ देख रहे हैं। क्या खरमास के बाद भी क्या अब कौन सा परिस्थिति है? क्या तेजस्वी जी बिहार के सीएम होंगे क्या? तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे क्या? नहीं भाई ना, नीतीश जी देश यात्रा अभी अभी ऐसा कौन आप लोगों को सुझाव देता रहता है क्या है? हम लोगों का साफ तौर पे दोनों दलों का या सातों दलों का और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में फिरका पस्ती जो ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उनसे हम लोगों को मुकाबला करना है। और हम लोगों का समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग एक हुए हैं। क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने की बात हो रही थी और हम सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा की क्या साजिश थी, महाराष्ट्र और झारखंड में क्या किया। तो हम लोग तो एकजुट हुए हैं, और पहले महागठबंधन बना था तो दोनों नेताओं ने ही बनाया था, नीतीश जी ने लालू जी ने मिलकर महागठबंधन बनाया था, और पुनः ये वापस बना है तो बिहार के हित के लिए बना है, देश के हित के लिए बना है। और इसमें किसी का अपना व्यक्तिगत चीज़ों के लिए नहीं बना है, समाजवादी विचारधारा और मजबूत हो हिंदी पट्टी में, ये हम लोगों की कोशिश है। नीतीश जी 24 में प्रधानमंत्री कैसे बने, उनका सपना कैसे पूरा होगा पीएम बनने का? नीतीश कुमार के पीएम बनने का सपना कैसे पूरा होगा? अरे हम लोग तो अभी हराने की बात कर रहे हैं भाजपा को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा कि उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने में, और जनता जिसको चाहेगी वो बनाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि हम लोग एक हुए हैं, इससे भाजपा बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है।